एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी जिसमें आपने कहा कि आपकी जो इंस्पेक्शन का सिस्टम है वो आप उस पर इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आफ्टर सेल्स भी अगर इंस्पेक्शन में कोई ऊपर नीचे हो 19-20 का कोई डिफरेंस हो तो गाड़ी विदाउट एनी क्वेश्चन एनीथिंग आप वापस पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक बात है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। सही, जो एक ट्रस्ट है जो हर कस्टमर की एक फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी होती है कि उसके पैसे सेव हैं, इवन कि अगर आपको 10 रुपये सेंड करें या 10 लाख सेंड करें या जितनी बड़ी अमाउंट हो, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आपने अचीव किया, उस पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्व किया या सिर्फ वीडियोस देखी है, मुझे ये नहीं पता कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके। मैं नाम भी हाफिज सज्जाद मोटर्स का कल रात को सुना है, कोई मुझे नहीं आइडिया था। ठीक है, तो मैंने जब ऑब्जर्व किया कि आपकी छोटे जो टीम मेंबर्स हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं वो खुद इतना कॉन्फिडेंट है, और आप सबकी पूरी की पूरी टीम की जो एक सिंगल कम्युनिकेशन, इसकी माइलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जो कि वेरी गुड। ऐसा सिस्टम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और एज अ बिजनेस पर्सन मैं देख सकता हूँ कि जो वैल्यू होती है वो होती है कस्टमर के ट्रस्ट के बेस पे। ठीक, सारा बिजनेस इसी बेस पे आपने जनरेट किया जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है, बल्कि मैं सरप्राइज हो गया कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई बिजनेस जनरेट कर सकता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हाफिज सज्जाद मोटर, योर मोटर कंपनी। हमारे बहुत ही प्यारे क्लाइंट हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं लाहौर बहरिया टाउन से, और हमसे गाड़ी लेके जा रहे हैं। आइए इनके जज्बात इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से माशाल्लाह, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर हमारे पास हाफिज सज्जाद मोटर पे कैसे तशरीफ़ लाए? एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी जिसमें आपने कहा कि आपकी जो इंस्पेक्शन का सिस्टम है वो आप उस पर इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आफ्टर सेल्स भी अगर इंस्पेक्शन में कोई ऊपर नीचे हो 19-20 का कोई डिफरेंस हो तो गाड़ी विदाउट एनी क्वेश्चन एनीथिंग आप वापस पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक बात है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। सही, और सबसे जो अमेजिंग बात है वो ये थी कि मैं फर्स्ट टाइम आपके पास कल रात को आया। सही, और मैंने कल ही सारी पेमेंट कर दी, इवन के गाड़ी अभी नाम नहीं हुई, पता नहीं इसके पेपर्स कहाँ हैं, सारा कुछ कहाँ है। सही है, बट जो एक ट्रस्ट है जो हर कस्टमर की एक फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी होती है कि उसके पैसे सेव हैं, इवन कि अगर आपको 10 रुपये सेंड करें या 10 लाख सेंड करें या जितनी बड़ी अमाउंट हो, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आपने अचीव किया, उस पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी आपको कितनी बड़ी अमाउंट सेंड कर सकता हूँ, आप गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। तो यही एक है एज अ बिजनेस पर्सन, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आऊँ गाड़ी देखूँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो वो जो एक ट्रस्ट जो आपने जनरेट किया है, और आई थिंक यही सबसे बड़ी बात है, और कस्टमर की, मेरे जैसे कस्टमर की सबसे टॉप प्रायोरिटी ही यही चीज होती है। सही है, तो इस पे आपका जो सरमाया है वो महफूज हाथों में है। एग्जैक्टली सही है, मतलब कल से मैं आपको डील कर रहा हूँ, आपके साथ सारी चीजें जो है वो शेयर की जा रही हैं, लेकिन आपके जो ख्यालात हैं वो इतने इस तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से वो निकलेंगे, मैं अभी इसको मेरे माइंड में ये चीज़ आ नहीं रही थी। असल में ख्यालात का जो डिपेंड करते हैं ना, वो सिर्फ किसी एक वीडियो पे, किसी एक पर्सन पे नहीं करते, वो पूरी की पूरी टीम पे डिपेंड करते। बिल्कुल ठीक है, अब टीम में आपके टेक्नीशियंस हैं, आपके सेल्स पर्सन हैं, सारी चीज़ हैं। तो ये नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्व किया या सिर्फ वीडियोस देखी है, मुझे ये नहीं पता कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके। मैं नाम भी हाफिज सज्जाद मोटर्स का कल रात को सुना है, कोई मुझे नहीं आइडिया था। ठीक है, तो मैंने जब ऑब्जर्व किया कि आपकी छोटे जो टीम मेंबर्स हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं वो खुद इतना कॉन्फिडेंट है, और आप सबकी पूरी की पूरी टीम की जो एक सिंगल कम्युनिकेशन है, किसी में आपसे कोई बात करो या दूसरे टीम मेंबर से बात करो, बात सेम है, सेम बात मिलती है। तो ये जो था, इससे मुझे कॉन्फिडेंट हुआ, मैंने फौरन पेमेंट ट्रांसफर की, इवन के मुझे ये भी सोचना नहीं पड़ा कि क्या मैं गाड़ी सही अमाउंट पे ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। सही है, इवन के अगर 1-2 लाख ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, बिकॉज आप महफूज जगह के ऊपर हैं। एग्जैक्टली सही सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि मार्केट और इसके अलावा हमारे अलावा मार्केट विजिट की? मार्केट विजिट की ऑब्वियसली, बट उसमें ये होता है कि आप जब बड़ी अमाउंट्स में डील करते हैं, इवन कि आप जूता भी लेने जाते हैं तो आपको पता है कि 1-2 घंटे लग जाते हैं। बट ये प्लेस ऐसी है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता, ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे होते हैं ओके बाद में क्या होगा, कोई ख़राबी निकल है, ये निकल है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि जिनको आपने अभी एड्रेस नहीं किया, जिनको आप काफी सालों से एड्रेस कर रहे हैं, और जो सिक्योरिटी है, कस्टमर सिक्योरिटी है,
ये आई थिंक मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले आखिरी बात हो रही थी और आपने कहा गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो पेमेंट करने के बाद मतलब ये बता, आपको इस्लामाबाद की जो फाइल होती है वो इस्लामाबाद में होती है, तो उसके मुतल्लिक भी आपने अभी मुझसे पूछा कि बाकी चीज़ें, तो मैंने आपको बताया कि वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आपको जैसे ही आएंगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हाँ, वो अब देखिए ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें, इसका मुझे नहीं आइडिया, उसमें आप एक्सपर्ट हैं। आपने कल रात मुझे कहा कि वो हमारी जिम्मेदारी है, इसकी माइलेज की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, जो कि वेरी गुड, इसकी इंस्पेक्शन की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, इवन के छोटा सा बेंड था वो आपने कहा ओके मैं फिक्स करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, इवन के आपने कहा कि आप खुद से इंस्पेक्शन करवाएं, जो भी उसके बाद आप कहेंगे आप खुद सेट करवा देंगे या हम उसको डील कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, मुझे उसके जानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तरफ से आप डील कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम है। चीज़ें जो हैं वो हम, वो जिम्मेदारी जो है वो हमने अपने ऊपर ले ली है कि जब तक आपके नाम पर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं होते वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हर्डल आ जाता है इसके अंदर कि डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो सारी गाड़ी वापस, सारे पैसे वापस, नो हिडन चार्जेस, तो एक ये भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। इसलिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें पता होता है कि हम ये जो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं वो हमें पता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी 100% ने पहले से चेकआउट किया हुआ होता है कि कागजात इसके बिल्कुल ठीक है और आपके नाम पर ट्रांसफ़र होंगे। इंशाल्लाह अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हर्डल नहीं आया किसी एक भी कार के अंदर कि हमने वो गाड़ी ट्रांसफ़र डाली हो और वो ट्रांसफ़र ना हुई हो, तो वो तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कीमत के हवाले से मुझे बताएं, आपने मार्केट विज़िट की, देखा होगा कुछ ना कुछ, आपको यहाँ की कीमत अच्छी लगी, बाहर की कीमत अच्छी लगी? कीमत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसका आइडिया ही नहीं है। मैं कोई कार डील्स करता नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे जो आपने बताई है पेमेंट बताई, मैंने उस पर निगोशिएशन या बार्गेनिंग पे भी नहीं किया, उसकी यही रीज़न थी कि चलो एक सेफ है, आप पैसे डिपॉजिट करा रहे हो तो सेफ साइड पे हो रहे हैं, तो यही चीज काफी थी जिसकी बिहाफ पे नो बार्गेनिंग, नथिंग और जस्ट बाय। ओके, आफ्टर सेल हमारे पास वर्कशॉप भी मौजूद है, आप वहाँ से भी आप काम करवा सकते हैं। आप अगर बैरिया में हैं तो वहाँ पे बैरिया में भी हमारा एक पॉइंट है, वहाँ से आप ऑयल चेंज करवाना चाहें तो वहाँ से भी करवा सकते हैं, और अगर आप यहाँ से आप आफ्टर सेल कोई चीज़ अगर किसी भी किस्म का काम करवाना है तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक ओवरऑल मुझे बताइएगा, वर्कशॉप भी मौजूद है हमारे पास, एक्साइज भी मौजूद है, गाड़ी भी हर तरह से, तमाम सर्विसेज मौजूद हैं, ओवरऑल कैसा लगता है आपको पाकिस्तान में, ऐसा सिस्टम कहीं और देखा आपने? नहीं, ऐसा सिस्टम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और एज अ बिजनेस पर्सन मैं देख सकता हूँ कि जो वैल्यू होती है वो होती है कस्टमर के ट्रस्ट के बेस पे। ठीक, सारा बिजनेस इसी बेस पे आपने जनरेट किया, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है, बल्कि मैं सरप्राइज हो गया कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई बिजनेस जनरेट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग। दुबई में काम है और आप बाहर लोगों को देखते हैं, और जो दुबई में लोगों को देखते हैं बाहर कारोबार करते हुए, जो पाकिस्तान में आके उसी तर्ज का काम देखते हैं कि बाहर तर्ज का काम यहाँ। अब दुबई में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी को भी पेमेंट्स कर रहा हूँ, पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सिक्योर है, इवन कि आप मिलियंस की डील्स करते हैं वहाँ पे, वो सिक्योर है, और सेम वैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा, तो मुझे तो मज़ा आया इस चीज़ में। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे भी आज आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे शहजाद साहब, हमारे पास तशरीफ़ लेके आए थे, और आपने देखा इस तमाम सूरत हाल में कि वो किस कदर अपने सरमाए को यहाँ पर मुतमईन फील कर रहे हैं कि मेरा पैसा महफूज हाथों के अंदर है, हालांकि अभी इनको हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। आप भी तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह हमें ऐसे ही पाएंगे। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं आपको, आपने अगर अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी हो तो फिज़िकली अपनी गाड़ी हमारे पास यहां पर हाफिज़ सज्जाद मोटर पर लाना ज़रूरी होगा, और हम चार्ज करते हैं 2500, बाकी कंपनीज कितना चार्ज करती हैं वो आप बेहतर जानते हैं। 100% आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलेगी, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।